हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी है और फ्लोर प्लानिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ये बिल्डिंग में कुछ चेंजेस किए हमने फ्रंट सामने की तरफ से, जो कि स्टेयरकेस को जो है हमने बाहर लाया और यहाँ पर कॉमन बात का जो ओरिएंटेशन है, जो जगह है, उसको भी हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, इस फ्लोर प्लान का ओवरऑल डायमेंशन 30.6 × 53 फीट है और सामने से हमने इसको स्टेयरकेस यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है और इसका टोटल ग्राउंड फ्लोर एरिया जो है 1380 स्क्वायर फीट है। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 22 से 25 लाख तक इसका बजट आ जाएगा और ये जो एस्टिमेशन कॉस्ट है ये वेरी करेगा। तो इस बिल्डिंग को हमने दो टाइप में बनाया है, एक तो लोड बेयरिंग वॉल में बनाया और साथ ही साथ हमने फ्रेम स्ट्रक्चर यानी RCC स्ट्रक्चर से भी बनाया हुआ है। उसका डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके रूम और डायमेंशन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग हमको यहाँ पर एक सिटआउट देखने को मिलता है और यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है सामने से सिटआउट के लिए, यानी कारपोर्च के लिए कॉलम दिया हुआ है और कारपोर्च का एरिया जो है 12 फीट × 13 फीट है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो बताना अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 13 फीट × 12 फीट। ठीक है, तो ये कारपोर्च का एरिया है और सामने की तरफ हमने सिटआउट दिया है 6 फीट × 8 फीट का। सिटआउट से हॉल के लिए एंट्री और हॉल का साइज जो है 16 फीट 16.6 × 13.6 है और हॉल से हमने दो विंडो प्रोवाइड किया है, एक सामने की तरफ से और एक इस तरफ से। फिर हॉल से ही हमने एक मास्टर बेडरूम के लिए एंट्री दी हुई है। मास्टर बेडरूम जो है 12 फीट × 14 फीट का है और यहाँ से एक अटैच बाथ भी प्रोवाइड किया हुआ है जो कि 7.6 × 6 फीट है। ओके, और बेडरूम से हमने दो विंडो यहाँ पर दिए हुए 5 बाय 5 के। उसके बाद लिविंग हॉल से हमने और एक मास्टर बेडरूम दिया है 12.6 × 15 फीट का और साथ ही साथ इसको भी अटैच बाथ प्रोवाइड किया है 7.6 × 5 फीट का और अटैच बाथ से हमने दोनों को भी वेंटिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद हमने लिविंग रूम से ही एक डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है बड़ा सा 15.9 × 11 फीट का और डाइनिंग से एक यहाँ पर 5 बाय 5 का विंडो दिया रखा है और यहाँ पर लिविंग से डाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने ओपन आर्च दिया हुआ है और डाइनिंग रूम से ही हमने किचन दिया है 11.3 × 12 फीट का, जो कि काफ़ी हद तक बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पर हमने स्टोर रूम दिया हुआ है किचन से 4 फीट × 5 फीट का और किचन से हमने यहाँ पर वर्क एरिया दिया है 12 फीट × 8.8 का। ओके, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर कॉमन बाथ जो है वर्क एरिया से दिया है, जबकि पिछले वीडियोस में हमने लिविंग रूम से या डाइनिंग रूम से कॉमन बाथ दिया था, लेकिन इसमें हमने कुछ चेंजेस किए और वर्क एरिया से हमने यहाँ पर बैक डोर भी दे रखा है और यहाँ पर स्टेयरकेस दिया है जो कि टेरेस में जा सकते हैं या फिर अगर आपका फ्यूचर में प्लान हो ऊपर की तरफ बांधने का या फिर आप रेंट पे भी दे सकते हैं। और अगर आप इस स्टेयरकेस को अंदर की तरफ यानी अपने बिल्डिंग के अंदर से देना चाहते हो तो यहाँ पर आप आउटर वॉल देकर इसको अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ लोड बेयरिंग वॉल का मार्किंग प्लान है, लोड बेयरिंग वॉल का मार्किंग प्लान यहाँ पर सब डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पर डायमेंशंस वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि आपको मार्किंग करने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसके साथ साथ मैंने कॉलम मार्किंग डिटेल भी किया दिया हुआ है। अगर आपको इन सारी चीज़ें चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस फाइल को यानी PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं एलिवेशन के। एलिवेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, हमने पिछली बार भी इसी तरह के एलिवेशन बनाए थे लेकिन इस एलिवेशन को थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ है। सामने की तरफ हमने एक बड़ा सा ब्रिक्स का एक एलिमेंट दे रखा है और उसका हर चीज़ का डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो कि आपको एलिवेशन बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और यहाँ पर एक कॉलम है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। यहाँ पर विंडो, डोर, उसके बाद हमने सिटआउट का और इस तरफ जो फ्रंट एलिवेशन में जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसका ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दो और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए peace out।